सवाल में दिया हुआ है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स -3, 2। इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लिखा हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन है y = -x, y = -x लाइन ओरिजिन से पास करेगा और स्लोप -1 है y = -x लाइन। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है इस पॉइंट का मिरर इमेज लेना है इस लाइन में, मिरर इमेज, तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। उसका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है y = 0 लाइन में उसका रिफ्लेक्शन, y = 0 लाइन यानी एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है इस लाइन में, तो उसके बाद हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। रिफ्लेक्शन का मतलब अगर ये मिरर है और वो मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा, ये मिरर है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिससे रोशनी निकल रहा है सभी दिशाओं में। अगर ये मिरर है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रेज सब मिरर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इंसिडेंट होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार रिफ्लेक्ट होगा, नॉर्मल से सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे नॉर्मल से ये वाला रे सब अलग अलग एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्टेड रेस है, ये रिफ्लेक्टेड रेस सबको अगर पीछे खींचिएगा, एक्सटेंड कीजिएगा, यहाँ से आँख रख करके देखा जाए तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि मिरर के पीछे से ये सब रेस चला आ रहा है कोई एक पॉइंट से। वो पॉइंट वहाँ वाकई में नहीं है, आप मिरर के पीछे जाके देखिएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इधर इस पार देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि मिरर के पीछे से एक सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से रेज सब आपके आँख में पहुँच रहा है, सब रिफ्लेक्ट होकर। इसी को हम लोग इस पॉइंट सोर्स का इमेज बोलते हैं इसको। सो दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द इमेज पॉइंट। इमेज पॉइंट यहाँ वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी रियल नहीं है, ये वर्चुअल बोलते हैं इसको। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से आ रहा है रेज, सो दिस इमेज पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज पॉइंट। ये इमेज पॉइंट हम लोग ज्योमेट्री से, सिंपल ज्योमेट्री से साबित कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट इस मिरर से इक्वी डिस्टेंट होता है और लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज पॉइंट परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ द मिरर। ये हम लोग जानते हैं, 10th क्लास से ही जानते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि हमको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है इस मिरर में, तो हम जो पहला पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स खोजना है वो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए सच दैट लाइन ज्वाइनिंग ए बी नॉर्मल होना चाहिए टू द मिरर प्लेन, और ए और बी का जो मिड पॉइंट हो वो इस मिरर पे लाई करना चाहिए। तो हम इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करके बी का कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं। अभी अगर हम बी के कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान ले h, k, तो हम बी का कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के आपको दिखाते हैं। अलग से ही हम लोग इस सवाल को बना के देख लेते हैं, दो सवाल बना के देखने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए पहला सवाल कि y = x लाइन में हमको किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना हो, जैसे यहाँ एक पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए इसका दिया हुआ है अल्फा बीटा, और इस मिरर में इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट खोजना है, इमेज पॉइंट। तो हम उस पॉइंट को कुछ मान लें क्यू और उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लें h, k, तो h और k दोनों का वैल्यूज खोजना है।
तो हम दो इक्वेशन लिखेंगे, पहला के माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एच माइनस अल्फा, ये लाइन का स्लोप, इसका स्लोप है प्लस वन, तो उसके नॉर्मल का स्लोप होना चाहिए माइनस वन, सो इतना को हम इक्वेट करेंगे विथ माइनस वन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ध्यान हमेशा इसी दोनों नंबर पे रहे, यही दोनों अननोन है, इनका वैल्यू ढूंढना है। अब एक ही क्वेश्चन और लिखेंगे, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है h प्लस अल्फा बाई टू कॉमा k प्लस बीटा बाई टू, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी y कोऑर्डिनेट मस्ट इक्वल x कोऑर्डिनेट। तो मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया k प्लस बीटा बाई टू मस्ट इक्वल h प्लस अल्फा बाई टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके, दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू अननोन्स, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स, अननोन्स है h और k, हम इसमें से टू को कैंसिल आउट कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम h माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करके, माइनस ऑफ h माइनस अल्फा को एक तरफ इकट्ठा करके, h प्लस के माइन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये इक्वेशन। माइनस एच प्लस अल्फा, एच इधर ले आए और माइनस बीटा को उधर ले गए, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो एच माइनस के, के को उस तरफ ले गए और अल्फा को इस तरफ ले आए, बीटा माइनस अल्फा। अब हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस साफ दिख रहा है, एच के का वैल्यूज निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो टू एच बराबर टू बीटा, यानी h बराबर बीटा आ जाएगा, और किसी एक में डाल दें h का वैल्यू तो k बराबर अल्फा आ जाएगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया बीटा कॉमा अल्फा। इंटरेस्टिंग बात है, अब लोग हमेशा के लिए हम लोग ये बात याद करेंगे कि अगर y बराबर x लाइन में किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया जाए तो कोऑर्डिनेट्स पलट जाता है। अब ये बात हम लोग हमेशा के लिए याद रखें। अब इसी पॉइंट का हम किसी दूसरे लाइन में कहें कि निकालिए, कोई भी लाइन y बराबर 2 बाई थ्री एक्स प्लस वन, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 2 बटे 3 है लेकिन उसका y इंटरसेप्ट 1 है, यानी ओरिजिन से नहीं पास करेगा। अगर ये सिर्फ इतना होता इक्वेशन तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन प्लस वन करने से उसका y इंटरसेप्ट वन हो गया। अगर इस लाइन में हम कहते हैं कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन खोजिए कुछ क्यूब लाइन, तो यही सब काम करते, मान लेते एच के और k माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एच माइनस अल्फा इक्वल टू लिखते माइनस तीन बटे दो, इसका स्लोप 2 बटे 3 तो इसका माइनस, और दूसरा इक्वेशन इन दोनों का जो मिड पॉइंट्स होता उसको डालते, y के स्थान पे k प्लस बीटा बाई टू और x के स्थान पे h प्लस अल्फा बाई टू, इस तरह से दो इक्वेशन बनाते, सॉल्व करके h और k का मान निकालते। इक्वेशंस को पहले इस रूप में लिख लेते, समथिंग इन टू एच प्लस समथिंग इन टू k बराबर समथिंग, इस तरह से लिखा जाता है एक लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। अगर x और y अननोन हो तो लीनियर इक्वेशन देखने में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो या इक्वल टू सी, और एक और इक्वेशन हो एक्स वाई में ही, तो इस तरह से लिखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स, तो उस रूप में सजा लेंगे। अब फिर हम लोग सॉल्व करके एच और के का मान निकाल लेंगे। अब हर लाइन के लिए तो हम लोग नहीं निकाल निकाल के रटेंगे, लेकिन y बराबर x लाइन में अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना हो तो आज के बाद हम लोग अपना मेहनत रिस्ट्रिक्ट करके सीधे आंसर लिखेंगे बीटा कॉमा अल्फा। एक और महत्वपूर्ण लाइन है y बराबर माइनस x, उसमें भी निकाल करके हम लोग देख लें कि क्या रिजल्ट आता है। देर आर टू इम्पोर्टेंट स्ट्रेट लाइन्स जिसमें कि हम रिफ्लेक्शन, ये दोनों लाइन्स है द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन को बोलते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
और दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं एक्सिस। बहुवचन है ये, प्लूरल, एक्सिस का प्लूरल। तो दो एंगुलर बाइसेक्टर्स है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस का, एक वाई बराबर एक्स और एक वाई बराबर माइनस एक्स। तो इस लाइन में अगर हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें और कहें कि इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढिए, उसका कोऑर्डिनेट्स मान लें एच कॉमा के, और सेम इक्वेशन हम लोग लिखें। ये लाइन का इक्वेशन है वाई बराबर माइनस एक्स के माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एच माइनस एल्फा, द स्लोप मस्ट इक्वल वन। चूंकि इसका स्लोप माइनस वन है, इसके नॉर्मल का स्लोप वन होगा। हम एक इक्वेशन यहां से सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, एच माइनस एल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, के को उधर ले गए और एल्फा को इधर ले गए, एल्फा माइनस बीटा, दिस इज वन इक्वेशन। इन दोनों का मिड पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो के प्लस बीटा बाई टू मस्ट इक्वल माइनस ऑफ एच प्लस एल्फा बाई टू। टू कैंसिल आउट हो गया, एक तरफ इकट्ठा कीजिए, इधर माइनस एच माइनस एल्फा है, तो इसको एच प्लस के इक्वल टू माइनस एल्फा माइनस बीटा, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, ऐड कर दें, तो टू एच बराबर माइनस टू बीटा, एच बराबर माइनस बीटा, एंड सबट्रैक्ट अगर हम इसमें डाल दें एच बराबर माइनस बीटा, तो के बराबर माइनस एल्फा। यानी कि क्यू का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो माइनस बीटा कॉमा माइनस एल्फा। यानी हम इसको याद कर लें, यहाँ दो चीज याद करना है, एक तो कि दोनों कोऑर्डिनेट्स पलट जाएगा और दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा बाय माइनस साइन, दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अगर हमको ये बात याद है तो हम ये बात तुरंत लिख सकते हैं। आप इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन में लेंगे तो पहले दोनों को पलट दें और दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस टू कॉमा थ्री हो जाएगा बी का कोऑर्डिनेट्स। अब उसका रिफ्लेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में लीजिएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वही रह जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जितना पॉजिटिव नंबर है उतना ही नीचे होगा ये पॉइंट, माइनस टू माइनस थ्री होगा। दैट वाज द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट सेकंड आगे एक थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है कि उसको हम टू यूनिट्स और मूव किए हैं अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, टू यूनिट्स और। तो हम पहुंच गए पॉइंट डी पे, डी का कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट में माइनस टू ऐड करेंगे, ऊपर जाते तो प्लस टू, नीचे तो माइनस थ्री माइनस टू, हम माइनस फाइव पे पहुंच गए। और अब इस पॉइंट को हम रोटेट किए हैं थ्रू एंगल पाई बाई फोर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। जैसे आप मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट को रोटेट किया गया है, यानी कि आपको इमेजिन करना है कि ये पॉइंट एक सर्कल में मूव करना है जिसका सेंटर ये हो, 45 डिग्री एंगल से रोटेट करना है इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस अबाउट दिस पॉइंट। 45 डिग्री से रोटेट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ये एंगल 45 है, अभी आप यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ से 45 चलेंगे भी तो उसको पार नहीं कर पाएंगे, कहीं यहाँ पे लैंड करेंगे। सो दिस इज द पॉइंट ई जहाँ तक हमको जाना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान ले एच के, यही ढूंढना है, दैट वाज द क्वेश्चन। देखें इसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, पहले देखिए कि आप बात समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं। हमको अब यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना है अबाउट दिस पॉइंट। अगर हम कहते कि अबाउट सी रोटेट करना है तो हम इतने रेडियस के सर्कल में मूव करते ऐसे 45 डिग्री जहाँ भी पहुँचते, लेकिन अगर अबाउट ओरिजिन कहे हैं तो हमको यहाँ पहुँचेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्या क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप,
कि डी पॉइंट का जितना दूरी है ओरिजिन से, इस पॉइंट का दूरी भी उतना ही है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एच के का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो रूट अंडर टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, जिसको कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, और 25 प्लस 4 29, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, इस लाइन का जो स्लोप है वो है k माइनस 0 डिवाइडेड बाय h माइनस 0, और इस लाइन का जो स्लोप है माइनस 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 0, यानी 5/2, और इन दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल। तो हम यहाँ पे क्या सीखे हैं कि टेन ऑफ दिस एंगल बराबर कितना लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस करेंगे कि दिस माइनस दिस करेंगे, बस इतना ही आपको याद दिला दें। हम लोग सीखे हैं कि दो लाइन का स्लोप्स अगर m1 m2 है, ये पूरे लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m2, तो अगर e वाला एंगल निकालना है तो क्लॉकवाइज सेंस में सबट्रैक्ट करना है, यही सीखे। m1 माइनस m2 लिखेंगे अगर ये एंगल निकालना है, और अगर ये एंगल निकालना है तो m2 माइनस m1 लिखेंगे, क्लॉकवाइज सेंस में हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां tan ऑफ पाई बाई 4 बराबर लिखेंगे दिस माइनस दिस, यही उल्टा नहीं होना चाहिए, k by h माइनस 5 by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5k by 2h, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये 2k माइनस 5h न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 2h जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2h प्लस 5k, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, सो वी हैव 2h प्लस 5k इक्वल्स 2k माइनस 5h, अर्थात 3k इक्वल माइनस 7h। ये मेरा दो इक्वेशन तैयार। अब हम k के जगह पे माइनस 7 बाई 3 टाइम्स h वहां डाल दें, ये बता रहा है कि h और k अपोजिट साइन का है। हाँ ठीक भी है, h यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है और k एक नेगेटिव नंबर है। हम k के स्थान पे माइनस 7 बाई 3 टाइम्स h यहाँ डाल दें, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो h स्क्वायर प्लस 49 बाई 9 h स्क्वायर, k के जगह 7/3 का स्क्वायर 49 बाई 9 को हम इक्वेट कर रहे हैं विथ 29, और अब 9 प्लस 49 58 बाई 9 टाइम्स h स्क्वायर, यानी ये 58 इसका डबल है कैंसिल आउट करने पे, सो h स्क्वायर बराबर 9 बाई 2, h इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई रूट 2, हम सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरा जो पॉइंट है ई है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और के बराबर हम निकालेंगे इसको माइनस 7/3 से गुना कर देंगे तो हमको के नहीं आएगा। कोई शक किसी को?